हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और उनके आने से पहले मुझे अपना लंच बनाना है। आज मैं लंच में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं फिर। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, गैस ऑन कर दिया, तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पहले गोभी को फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा फ्राई करना है। कटी हुई हरी मिर्च, प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसको थोड़ा ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर गलाने के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम इसमें आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च। मिर्च आप कम थोड़ी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से डालिए। मैं इसमें हरी मिर्च पहले डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ी डालूँगी। थोड़ा सा धनिया पाउडर, अब हम इसमें गोभी डाल देंगे और आलू भी डाल देंगे, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें आधा गिलास पानी लगा देंगे, जिसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट के बाद चेक करेंगे कि हमारी सब्जी कैसी है। गैस को हमने मीडियम रखा है। देखिए 10 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, अभी हमें थोड़ी देर और पकाना है इसे, लगभग 10 मिनट और पकाना है इसको, फिर बनकर तैयार है। अभी गोभी पक गई है, अब हम इसमें धनिया डाल देंगे, धनिया डालेंगे। अभी हमारी सब्जी बनकर रेडी है, ये देखिए ऊपर से थोड़ा हरा धनिया मैंने और डाल दिया है। कैसी लग रही है आपको, कैसी लगी ज़रूर बताना। और इसे पराठे के साथ खाएं तो बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। बच्चे बस आने ही वाले हैं और मैं, वो आ जाएंगे बच्चे, तो गर्मा गर्म पराठे बनाऊंगी फिर हम सभी लोग। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए।